नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तरबूज खाने के फायदे क्या हैं, तरबूज खाने के नुकसान क्या हैं, इसे खाने का सही तरीका क्या है और साथ ही साथ यह भी जानेंगे तरबूज खाने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, तरबूज में 90% तक पानी पाया जाता है जो कि आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए उत्तम फल है। अगर आप तरबूज का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर और त्वचा को हाइड्रेट रखने में आपकी सहायता करेगा। इसलिए आप गर्मियों के मौसम में अगर अपने आप को गर्मी के तपन से बचाना चाहते हैं और अपने शरीर को हाइड्रेट रखना चाहते हैं तो आप तरबूज का सेवन जरूर करें। दोस्तों, तरबूज लाइकोपीन का भी अच्छा स्रोत होता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को कम करने में आपकी सहायता करता है और इसी कारण आपके शरीर के ऊतक और शरीर के अंग किसी भी क्षति से बच पाते हैं। दोस्तों, अगर आप तरबूज के जूस का सेवन करते हैं तो इससे आप अपने शरीर के कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर पाते हैं और इसी वजह से आप अपने हृदय को भी रोगों की चपेट में आने से बचा पाते हैं। दोस्तों, तरबूज में सिट्रुलिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि आपके शरीर में वजन को घटाने में आपकी काफ़ी सहायता करता है। अगर आपके शरीर को इस तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो यह आपके शरीर में चर्बी जमा होने से रोकने में आपकी मदद करता है और साथ ही साथ यह आपके हृदय के लिए भी काफ़ी उपयुक्त होता है, जिसके वजह से आपके हृदय के कार्य में निरंतर सुधार होता रहता है। और इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसे खाने के बाद आपको भूख भी जल्दी नहीं लगती, जिसके वजह से आप वेट लॉस भी कर पाते हैं। दोस्तों, तरबूज में विटामिन ए और लाइकोपीन दोनों ही मौजूद होने के कारण यह आपके आंखों के स्वास्थ्य के लिए उत्तम फल होता है। इसका सेवन करने से आप अपने आप को रतौंधी, मोतियाबिंद और जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उस दौरान आंखों में होने वाली समस्याओं से भी आप अपने आप को बचा पाते हैं। दोस्तों, अगर आप चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन महसूस करते हैं तो आपको तरबूज का सेवन जरूर करना चाहिए। इसमें विटामिन B6 और विटामिन सी की उच्च मात्रा होने के कारण यह आपके मन को शांति प्रदान करने का काम करेगा, आपको डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन से भी बचाने का काम करता है और साथ ही साथ यह आपके हॉर्मोन्स को भी संतुलित बनाए रखता है। इसलिए जब भी आपका मन व्याकुल हो, आप डिप्रेशन या चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हो तो उस समय आप ज़रूर तरबूज का सेवन करें, इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप शारीरिक तौर पर कमजोरी और सुस्ती महसूस करते हैं तो ऐसे में आपको तरबूज का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि तरबूज से आपको विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी और बीटा कैरोटीन जैसे तत्व मिल जाते हैं जो कि आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं और आप सुस्ती और कमजोरी जैसे लक्षणों से बच पाते हैं। दोस्तों, अगर आप तरबूज खाते हैं तो इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों जैसे विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और इन्हीं सभी पोषक तत्वों के कारण आपको कैंसर जैसी दर्दनाक बीमारी होने की भी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। दोस्तों, अगर आप कैंसर के उपचार में इसका सेवन छिलके सहित करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होगा। दोस्तों, तरबूज में पानी और फाइबर भरपूर मात्रा होने के कारण यह आपको पेट में कब्ज जैसी समस्याओं से भी बचाने का काम करता है। दोस्तों, तरबूज में बहुत सिट्रुलिन मौजूद होता है जो कि आर्जिनाइन जो कि एक एमिनो एसिड होता है और सिट्रुलिन इसी के स्तर को बढ़ाने का काम करता है, जिसके वजह से आपके बालों का विकास स्वस्थ तरीके से हो पाता है और साथ ही साथ बालों को लंबा, चमकदार और मजबूत बनाने के लिए कोलेजन की भी आवश्यकता होती है और तरबूज कोलेजन को भी बढ़ावा देने में आपकी सहायता करता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने बालों को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं तो भी आप तरबूज का सेवन जरूर करें। तो दोस्तों, यह तो रहे तरबूज खाने के फायदे। तो चलिए अब जान लेते हैं तरबूज खाने के नुकसान क्या हैं और साथ ही साथ तरबूज का फायदा लेने के लिए इसे खाने का सही तरीका और सही समय क्या होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, अगर आप बीमार हैं या फिर आपको काफ़ी ठंड लग रही है तो उस स्थिति में आप तरबूज का सेवन ना करें, क्योंकि तरबूज की तासीर ठंडी होती है, जिसके वजह से ऐसी स्थिति में यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। दोस्तों, अगर आप इसे सीमित मात्रा में खाते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, लेकिन अगर आप इसका सेवन आवश्यकता से अधिक करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकती है। हम डायबिटीज़ की मरीज की बात करें तो अगर वह लोग इसका सेवन अत्यधिक करने लगते हैं तो इससे उनके ब्लड में शुगर का लेवल काफ़ी बढ़ सकता है। इसलिए तरबूज का सेवन करने से पहले
हमें डॉक्टर से ज़रूर राय ले लेनी चाहिए ताकि वह हमारी बॉडी को चेक करके बता सकें कि हमें इसकी मात्रा लेनी चाहिए जिससे हमारे शरीर को नुकसान ना हो। दोस्तों, अगर आप इसकी सीमित मात्रा लेते हैं तो आपके पेट और हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन जहां आपने इसकी ज़्यादा मात्रा का सेवन करना शुरू कर दिया वहीं से आपको पेट की समस्या और हृदय संबंधी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, तरबूज खाने का सही तरीका है कि आप इसे काट कर खा सकते हैं, सलाद के रूप में खा सकते हैं, और अगर आपको यह मिक्सर है आपके घर में तो आप इसे पीस कर उसका पानी भी पी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम सही समय की बात करें तो इसे हमें कभी रात के समय नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको दस्त होने की समस्या हो सकती है, इसलिए आप इसे हमेशा सुबह या फिर दोपहर के समय ही खाएं, इससे आपको अत्यधिक लाभ होगा। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे तरबूज खाने के फायदे क्या हैं, तरबूज खाने के नुकसान क्या हैं, तरबूज खाने का सही तरीका क्या है और तरबूज खाने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।